प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भैया, हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बच्चे बहुत ही गजब तरीके से पराशरण दाब के बारे में पढ़ा हुआ कि पराशरण दाब कैसे होता है, एक्चुअली पराशरण दाब जो है कैसे वर्क करता है, कैसे वो बनता है, हम जो पूरे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, अंतः पराशरण, बाह्य पराशरण और साथ ही साथ बेटा प्रतिलोम पराशरण, जिसे हम आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा हुआ है। सारे बच्चों को क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। ये जो टॉपिक है बेटा, क्वथनांक में, उन्नयन, हिमांक में, अनुमन, ये जो टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर सारे बच्चों को? पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैंने क्या बोला भैया, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है आज का, जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिमांक में अनुमन, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है बच्चे, ठीक है, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जो है कंसेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, या फिर भैया ये कंसेप्ट उठा के आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। क्लियर सारे बच्चों को? एकदम ध्यान समझने, एकदम प्रॉपर तरीके से वे को समझना बच्चे, ठीक है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भैया, हम जो क्वथनांक में उन्नयन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, तो सबसे पहले अगर सारे बच्चों को मैं पूछ दूं भैया कि क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट आखिर क्या होता है, अगर मैं पूछ दूं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यहां पे सिर्फ एक ही जवाब दे रहे होंगे कि सर अगर मैं पानी को उबाल दूं, तो पानी जब उबलने लगता है तो वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, यही उबलने का टाइम होता है, ठीक है। सारे बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे यहां पे यही आंसर देने वाले, लेकिन मैं बोलूं भैया ऐसा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप भैया लोग के सर से पढ़ रहे हो, किससे भैया, हमसे पढ़ रहे हो, टीम अभिषेक से पढ़ रहे हो, सारे प्रॉपर नॉलेज आपको होने वाला है। ध्यान सुनना बच्चे, हम जो है उन्नयन की बात, सॉरी हम क्वथनांक की अगर मैं बात कर दूं, तो क्वथनांक क्या करता है, इसको मैं जो एकदम शानदार तरीके से समझाऊंगा। देखो बच्चा, अगर आप जो है एक केतली के अंदर, एक बर्तन के अंदर आप गैस को, इस बर्तन में सॉरी पानी भर दो भैया, इस तरीके से सपोर्ट पानी भर दिया, अब पानी भर के इसको गैस के ऊपर रखा, गैस के चूल्हे के ऊपर रखा बच्चे, तो यहां पे क्या होगा, हीट होगा, अब चल रहा है चूल्हा भैया, तो हीट तो आएगा आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब आया तो ये केतली क्या होगी बच्चे, गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ये जहां पे जो पानी है इसका क्या होगा बेटा, वाष्पन होगा, क्या बनेगा बेटा, वाष्पन होगा, और जब वाष्पन होगा तो भैया वेपर बना, यहां से वेपर बना, सिंपल सी बात है बच्चे, वेपर बना, तो इसमें क्या लगेगा, वेपर प्रेशर भी लगेगा, क्या लगेगा, वेपर प्रेशर लगा, इस तरीके से वेपर प्रेशर लगा। अब वेपर प्रेशर जो लग रहा है, यही जो वेपर प्रेशर है, अब ये क्या है बच्चे, इस वायुमंडली में है, जिसे बेटा वायुमंडल, एटमॉस्फियर में, ठीक है। अब ये किसको इफेक्ट करेगा बच्चे, इसके आसपास में जो वायुमंडल है बेटा, ठीक है, वायुमंडल में मतलब जो आसपास का जो वातावरण है उसी पे ही इफेक्ट करेगा ना बेटा, ध्यान सुनना, ठीक है। देखो यहां पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, यहां पे बच्चे हमारे वायुमंडली दाब है, ठीक है। सपोज करो भैया कि ये जो वायुमंडली दाब को मैंने जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, देखो येलो कलर से, ठीक है। अब ये वायुमंडली दाब है, ये वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर जो है वायुमंडली दाब के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो मैंने क्या बोल दिया भैया, हमारा जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, किसका, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं एटीएम से बोल देता हूं, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तभी हम बोलेंगे बच्चा ये हमारा कौन सा पॉइंट होने वाला है, यही हमारा बॉइलिंग पॉइंट, जिसे मैं क्वथनांक बोलता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। ये डेफिनेशन सभी बच्चे जो है लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में कभी पूछे बच्चे तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आना है। कैसे लिखना है बच्चे, देखो, किसी भी द्रव का जो क्वथनांक, वह टेम्परेचर होता है, वह ताप होता है जिस पर उसके वाष्प दाब का जो मान होता है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर सारे बच्चों को? एकदम गजब तरीके से समझ आया होगा, ठीक है, फील कर पाए, मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर बिल्कुल मजा आया, ठीक है। देखो बच्चे, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये तो भी क्वथनांक की बात, अब हमारा जो एक्चुअल जो टॉपिक है वो क्या, हमारा क्वथनांक में उन्नयन, क्या टॉपिक है बच्चे, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब बढ़ना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, तो किसमें बढ़ेगा भैया, क्वथनांक, हीट, टेम्परेचर जो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्लियर सारे बच्चों को? थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, ध्यान से ना बच्चे, ठीक है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है आपको सभी चीजें बताई हुई पराशरण दाब के अंदर, की किसका जो होता है बच्चे, कि राउल्ट्स लॉ भी मैंने कराया हुआ है, तो उस राउल्ट्स लॉ के अंदर मैंने बताया कि किसका प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, उसका वेपर प्रेशर हमेशा जो है ज्यादा होने वाला होता है, क्या बच्चे, ज्यादा होने वाला होता है। अगर मैं यहां पे जो है बच्चे आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूं, ध्यान से सुनना,
अगर आप इस कंटेनर के अंदर, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इस पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर सारे बच्चों को? समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अगर इस कंटेनर के अंदर मैं आपको प्योर लिक्विड दे दूं, क्या बोल दूं, प्योर लिक्विड की मैं बात करूं, तो प्योर लिक्विड जब दूंगा, ठीक है, जब प्योर लिक्विड दूंगा तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, इसका जो वेपर निकलेगा और इसके बाद वेपर प्रेशर जो बनेगा बेटा, वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो मैं बोल दूं भैया, वेपर प्रेशर ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है? ज्यादा वेपर प्रेशर बनने वाला है, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं मेरे पास एक और कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ना, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, साथ ही साथ वाणी भी है, पानी भी है, और साथ ही साथ नमक भी है। इस तरीके से देखो, ये नमक के मॉलिक्यूल्स भी है। तो मैं इसको बोलूंगा भैया कि ये तो मेरा सॉल्यूशन होगा, ये तो मेरा क्या होगा सर, सॉल्यूशन होगा। क्लियर सारे बात हो? मतलब हमारा जो है विलयन होगा। तो अगर मैं इसके वेपर प्रेशर की बात करूं, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये हम लोगों ने राउल्ट्स के लॉ में पढ़ा हुआ है सारी चीजें, साथ ही साथ परासरण दाब के अंदर भी पढ़ा हुआ है। आज इसको और वापस से पढ़ने वाले, क्योंकि यही हमारा बेटा फंडा है, यही हमारा क्या बच्चा, फंडामेंटल से, जिसमें फंडा बोल देता हूं, हमारा क्या है, फंडा रहने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को? इसी को पकड़ के आपको ये सारी चीजें आपके समझ आएगी। क्लियर सारे बच्चों को? स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ठीक है, हमारा क्या है आज जो है पॉइंट है एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा ये आज का कंसेप्ट है, एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में उन्नयन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो भैया, यहां पे अपन को क्या करना है, एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं जो है आपको बात दूं, जब टेम्परेचर, हमारा जो ग्राफ बनता है, एक्चुअली मैं ग्राफ के जरिए ही आपको बताने वाला हूं सारी चीजें, ध्यान सुनना, लिखने के तरीके ऊपर बात करूंगा, फिलहाल ग्राफ देख लेते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास क्या होता है, जो ग्राफ जो बनता है ना बेटा, ठीक है, अपन के पास जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, यहां पे एक जो है टेम्परेचर होने वाला है। क्या सर? टेम्परेचर होने वाला है, बिल्कुल बच्चे, टेम्परेचर होने वाला है। अब देखो जो दूसरा पॉइंट होगा बच्चा, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट जो होगा, ठीक है, वो जो है यहां पे प्रेशर का होगा। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे मेरे को टेम्परेचर मिलेगा बच्चे, यहां पे मेरे को प्रेशर, ये ग्राफ जो है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच बनेगा। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो बच्चे सिंपल सी बात है कि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मैं बोलूं भैया, अगर मैं बोल दूं आपको एकदम बहुत गलत तरीके से बोल दूं बच्चे, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास प्योर लिक्विड है, शुद्ध लिक्विड है, शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पहला थिंग, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यहां पे, अगर इस विलायक को मेरे को गर्म करना है, ये शुद्ध है लेकिन गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए इसको कम तापमान की जरूरत होगी, मतलब टेम्परेचर कोई नीड मेरे को कम होगी, कम तापमान की जरूरत होगी। क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है, अगर भैया इसका वेपर प्रेशर कम बन रहा है, इसका जो है वाष्प जो है कम बन रहा है, तो इसको गर्म करने में मेरे को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। क्लियर सारे बच्चों को? ये दो चीजें आपको याद रखनी है, पहली चीज वेपर प्रेशर वाला, दूसरा टेम्परेचर वाला। सारे बच्चों को क्लियर है? अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई बच्चे अभी के अभी, तो ये जो हमारा जो पॉइंट है आज का, जो टॉपिक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे बच्चों को। देखो भैया, ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। सपोज मान लो मैं क्या कर दूं, यहां पे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की बात हो रही है, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात हो रही है, तो मैं वायुमंडलीय दाब यहां पे बना देता हूं। ध्यान से सुनना, वायुमंडलीय दाब, देखो भैया मैं देता हूं कि मान लो भैया यहां से मेरा क्या है, वायुमंडलीय दाब है इस तरीके से, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, जिसे मैं 1 atm बोल दूंगा, ये देखो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया। क्लियर सारे बच्चों को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो भैया, ठीक है, हाँ, अगर ठीक है मैं विलायक की बात करूं, तो विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब उसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। मैं ले लूं भैया कि मेरा जो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वाला लाइन, ठीक है, अगर टेम्परेचर यहां पे है मेरा, ठीक है, इसको गर्म करने में मेरे को कम टाइम लग रहा है, और कम गर्म करते भैया ये 1 atmospheric प्रेशर हुआ, ठीक है, 1 atmospheric प्रेशर हुआ, यहां पर जाके कट गया, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होने वाला है सर, ये वाला पॉइंट भैया हमारा क्वथनांक होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट होने वाली है। किसके लिए, किसके लिए निकाले बच्चे, किसके लिए निकाले अपन, यहां पे किसके लिए बात किया, मैंने बात किया भैया विलायक के लिए, किसके लिए, विलायक के लिए, कौन से विलायक, प्योर विलायक के लिए, विलायक है मतलब प्योर ही है। क्लियर सारे बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से? अब थोड़ा सा आगे देखो भैया, ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन के लिए निकालना चाहूं,
अगर मेरे को सॉल्यूशन के लिए निकालना चाहूं तो मेरे को टेम्परेचर, मेरे को बेटा क्या होगा, मेरे को तापमान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, मेरे को तापमान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सिंपल बात है बच्चे, ठीक है, तापमान मेरे को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं ले लूं कि भैया ये टेम्परेचर कहां पे है, ये जो टेम्परेचर है बच्चा, ठीक है, ये किसके लिए था, प्योर के लिए था। तो प्योर के लिए मैं बात करूं तो ये इसका टेम्परेचर यहां पे इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, जिसको मैं नाम दे दूं, जिसको मैं नाम दे दूं टी बी, ठीक है, टी बी नॉट दे दूं, टी बी नॉट दे दूं, क्लियर सारे बच्चों को, टी बी नॉट दे रहा हूं, क्लियर, किसके लिए, प्योर के लिए, ठीक है। अब भैया सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर मेरे को विलायक मिला तो विलयन के लिए भी बनेगा, तो विलयन के लिए जो वेपर प्रेशर है उसके लिए मेरे को तापमान ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से मैं बात करूं तो यहां पर लग रहा है, ठीक है, यहां पे बन रहा है, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कट हो रही भैया, देखो ध्यान से सुन, ठीक है, ध्यान से सुन लो। अब भैया मैं बोल दूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी आया, क्या बच्चे, मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी लिख दूं, क्या कर दूं, टीबी, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे, मैंने यहां पे बोला हुआ है, देखो मेरा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा और टेम्परेचर कम बनेगा, तो टेम्परेचर कम वाला मैंने यहां पे लिखा, देखो इससे तो टेम्परेचर ज्यादा, अगर इसी साइड में बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो टेम्परेचर यहां पे कम हुआ, इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा हुआ, क्लियर सारे बच्चों को, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा से बढ़ते हैं। देखो अब भैया मैंने जब मैंने आप लोगों को बोला बच्चे, ठीक है, तो अब देखो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तो उसी डिफरेंस को मैं बोलूंगा डेल टीबी, क्या बोल दूंगा बेटा, डेल टीबी, टीबी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर में क्या हो रहा है बेटा, चेंजेस हो रही है, किसमें हो रही है, टेम्परेचर में चेंजेस, तो मैं बोल दूं इसको चेंजेस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर सारे बच्चों को, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, डेल टीबी मतलब तापमान में परिवर्तन हो रहा है। ये ग्राफ सारे बच्चों को बनाना आ जाएगा, और ये जो ग्राफ है बेटा दूसरा वाला येलो वाला, ये किसके लिए है, विलयन के लिए है, विलयन के लिए, ये ऊपर वाला जो था बेटा पिंक वाला वो किसके लिए था, विलायक के लिए था, प्योर विलायक के लिए, और ये बेटा ये था हमारा विलयन के लिए, क्लियर सारे बच्चों को। अब इसको लिखना है अपन को, अब इसको लिखना है, अब लिखते कैसे है सर, लिखने को बता दो, देखो बच्चे यहां पे लिखना कैसे है, ठीक है, विलयन, किसी विलयन का जो वाष्प पदार्थ होता है, मैं यही बताया ना आपको, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ जो होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प पदार्थ, किसी भी विलयन का बेटा क्या होता है, किसी भी विलयन का जो वाष्प पदार्थ होता है वो शुद्ध विलायक से कम होता है, प्योर लिक्विड से कम होता है, यही मैंने बोला हुआ है। अतः वह ताप पर जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा, उसके जो हाँ वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या होता है बेटा, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप से अधिक होगा जिस पर शुद्ध विलयक, क्या होगा बेटा, शुद्ध विलयक का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसको बोलेंगे बेटा, उसका हम कहने का तात्पर्य सिंपल सा बात है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है बेटा वो ज्यादा होगा, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब कम होगा, इतना सा ही आपको देखना है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे याद रखनी है, जो डेल्टी भी है, यहां पे देखो डेल्टी भी है, डेल्टी भी का वैल्यू ज्यादा है, डेल्टी भी नॉट का वैल्यू कम है, क्लियर सारे बच्चों को, उसी को अपन को यहां पे लिखना है भैया, क्या लिखना है, डेल्टी भी का मान बच्चे डेल्टी भी नॉट से मान से अधिक होगा, अतः विलयन का जो कथनांक है विलायक के कथनांक से अधिक होने वाला है। अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको लिख दूं तो मैं सिंपल बोलूं शुद्ध विलायक का क्या होता है बेटा, जो हमारा जो टेम्परेचर उसका कम होता है, और जो बेटा विलयन जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसी को सिर्फ हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, सारे बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको जो है हमको जो है क्या करना है बेटा, चेंज इन टीबी की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, टीबी की, डेल टीबी की बात हो रही, तो मैं क्या लिख दूं बच्चे, मैं लिख दूं टीबी माइनस टीबी नॉट कर दूंगा, टीबी माइनस टीबी नॉट करूंगा, तो एकदम ये जो है इक्वेशन करेक्ट होगा, एकदम इक्वेशन करेक्ट होगा, सारे बच्चों को पता है एकदम करेक्ट होने वाला सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको अब, ठीक है, देखो ध्यान से, अब क्या हुआ हमारा, हाँ बच्चे, तो यहाँ पे डेल टीबी का वैल्यू अपन को यहाँ पे मिल गया एकदम इजी तरीके से। तो अब इसको मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात कर दूं कि डेल टीबी जो होता है ना बच्चा, डेल टीबी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अपन ने सीखा हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर, और यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, हमारा जो विलयक था जब प्योर था इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन इसमें जब विलेय मिला दिया गया, तो विलायक के अंदर विलेय जब मिला दिया गया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब हमारे विलेय के जो है विलेय की क्वांटिटी के ऊपर ही, मतलब विलेय के ऊपर ही ये पूरा का पूरा भैया क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, क्या होता है, तो मैं क्या लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बच्चे सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चला भैया, ये जो आपको बड़ा हुआ सर्कल दिख रहा है बेटा, सर्कल नहीं भैया, इसको वर्ग जो दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये जो डब्बा दिख रहा है इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो विलेय है वो कॉन्सेंट्रेटेड है,
ऐसा बोलेंगे, सांद्र है, ठीक है, सांद्र है। क्लियर सारे बच्चों को? अगर मैं डेल टीबी की बात कर दूं, डेल टीबी की बात करूं तो इसको कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं क्या बोल दूं बेटा, ठीक है, मैं क्या बोल दूं, डेल टीबी जो है इस कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा बच्चे, क्या होने वाला है यहां पे, मैं एम सी, अब बच्चे यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैं डेल टीबी की बात कर दूं तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हटाने के लिए क्या करने के बेटा, हटाने के लिए मेरे को एक ऐसी जो है पद की जरूरत पड़ेगी जो कि इसको हटा पाए। तो मैंने, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन से है, मोलरता है, मोललता है, मूल प्रभाज है, द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशत, मैंने आपको स्टार्टिंग के दो लेक्चर के अंदर जो बताया हुआ है भाई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जो टेम्परेचर जो बात करूं, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला टर्म ले लूं यहां पे, पद ले लूं, तो वो यहां पे जो है क्या फ्लक्चुएट होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। लेकिन भैया अगर मैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब अनिर्भरता के आधार पर जो हमारे आते हैं, मोल प्रवाह भी आता है, द्रव्यमान प्रतिशतता आता है, मोललता आती है, अगर ये पद ले लूं तो मेरे को जो कुछ ना कुछ यहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर सारे बच्चे का? तो जो साइंटिस्ट जो थे, इनको जो परफॉर्म किए, उन्होंने क्या लिया बच्चे, उन्होंने क्या किया, टीबी इज इक्वल टू एम लिया, वो भी स्मॉल वाला, स्मॉल वाला एम बच्चे मतलब क्या होता है, मोललता, क्या था बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी बोलेंगे, मोललता बोलेंगे, जैसे मोललता, ठीक है, मोललता लिया। अब जब मोललता लिया तो मैं इसको जो है इजिली सॉल्व कर पाऊंगा, अगर मेरे को इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट बेटा क्या होगा, केबी होगा, जहां पे एम इस तरीके से लिख दिया मैंने, केबी हुआ। क्लियर बच्चे? और जो केबी है, जो केबी है, वो केबी क्या है बच्चा, ठीक है, हमारा मोलल कांस्टेंट है, क्या बेटा, मोलल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, मतलब भैया हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या स्थिरांक है, कौन सा स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। सारे बच्चों को क्लियर हुआ ये क्या हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। सारे बच्चों को क्लियर है? अब थोड़ा सा इस कांस्टेंट को अपन लगा दिए, अब जब कांस्टेंट लगाया तो मैं डेल टी बी का वैल्यू इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है जो एम का जो वैल्यू होता है ना सर, जो एम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एन बाई, एन बाई एम नॉट होता है, एन बाई एम नॉट होता है, ठीक है, एन बाई डब्ल्यू होता है, सॉरी एल बाई डब्ल्यू होता है, एन बाई क्या होता है बेटा, डब्ल्यू होता है। क्लियर सारे बच्चों को? क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू होगा। अब जब डब्ल्यू होगा तो मैं यहां पे इजीली लगा पाऊंगा, के बी इज इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू, एन बाई डब्ल्यू। अब मेरे को एन का वैल्यू भी पता है सर, मेरा एन को, एन का जो वैल्यू है वो भी पता है, तो वो क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बाई सॉल्यूट का जो वेट होगा उसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा, एम नॉट होगा, एम नॉट मतलब मोलर मास की जो हम बात करेंगे, डिवाइड बाई मोलर मास। तो ये एन का वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, ये जो एन का वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूंगा, तो क्या होगा बेटा, के बी, के बी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बाई एम नॉट, ठीक है। और ये W जो होता है बेटा केजी में होता है, क्योंकि हम मोललता की बात किए हैं यहाँ पे, मोललता की बात किए हैं। मोललता क्या वो बोलता है, किसी भी मोल को अगर एक एक किलोग्राम, एक किलोग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसी का हम लोग मोललता बोलते हैं बेटा। तो मोललता का फॉर्मूला में पहले से क्या होता है, केजी होता है, तो मैंने यहाँ पे केजी रख दिया, केजी रख दिया। ये फॉर्मूला आगे लेके चलेंगे बेटा, भी ध्यान से देखना। डेल टीबी की बात हो गई, डेल टीबी की बात हुई, अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे पेजेस ले लेते हैं अपन फटाफट, देखो देखो देखो, ठीक है, अपन यहां पे पेजेस ले लिए। अब देखो भैया सिंपल सी बात है, मेरा क्या मिला, डेल टीबी का जो वैल्यू मिला, डेल टीबी का जो वैल्यू मिला यहां से देखो क्या मिला, के बी, के बी, के बी डब्ल्यू बाई, के बी डब्ल्यू बाई एम नॉट, एम नॉट डब्ल्यू के जी, मेरे को ये क्या मिला, ये मेरे को जो डेल टी बी का वैल्यू मिला, डेल टी बी का वैल्यू मिला। अगर आपको कभी बुक में क्या मिले बेटा, बुक में आपको थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई हुए मिले, क्या मिले, थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई हुए मिले, तो क्या कर दो, आपको सिंपल सा बात है, मतलब क्या किया उन्होंने, एम नॉट तो लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, अब जब डब्ल्यू के जी है वो ग्राम में कन्वर्टेड है, किसमें बेटा, ग्राम में कन्वर्टेड है, इस तरीके से, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें थाउजेंड का गुना हो जाएगा। तो ये आपको बेटा यहाँ पे दो आपको जो है एक फॉर्मूला मिल जाएगा, यही हमारा क्या है बच्चे, यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है क्वथनांक में उन्नयन है, यही हमारा बच्चा क्या होने, क्वथनांक उन्नयन, जो हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमारा यही फैक्टर है। क्लियर सारे बच्चों को? ये पूरा फैक्टर आपको समझ में आया होगा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से।
हाँ बच्चे, तो सबसे पहले अपन जो है क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ा कि क्या हमारे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। एट द एंड बच्चे हमको जो है ये लास्ट में फॉर्मूला मिला जो कि भैया डेल टीबी इक्वल टू केबी, केबी हमारा मॉडल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे, इसको जो डब्ल्यू होता है जो सॉल्यूट का वेट होता है, किसका सॉल्यूट का, विलेय का जो है द्रव्यमान होता है, और जो एम नॉट होता है बेटा क्या होता है विलायक के मोलर मोलर मास होता है, क्या होता है बेटा मोलर मास, ठीक है। और साथ ही जो डब्ल्यू होता है वो ग्राम में बात करेंगे बेटा, अगर यहाँ पे 1000 का गुना कर देंगे तो ग्राम में होगी, अगर नहीं करेंगे तो इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, क्लियर सारे बच्चों। अब अपन बात करते हैं बच्चे हिमांग में अनुमन की बारी आती है, हिमांग में अनुमन एकदम बहुत इजी बहुत मक्खन, ध्यान सुनना। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन के फॉर्मेट में अपन पहले कैसे लिखेंगे, क्लियर बच्चे। किसी भी द्रव का जो हिमांग होता है ना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है, हिमांग मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होने की क्षमता, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वह क्या होता है बेटा, ठोस अवस्था, मतलब मेरे पास एक सॉलिड होगा, क्या होगा बच्चे, एक सॉलिड होगा, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर बनेगा, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर बनता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि सॉलिड का वेपर प्रेशर बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो सॉलिड में बच्चे वेपर प्रेशर, वेपराइजेशन होती है, बहुत भले ही कम हो, भले ही बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन होती ही होती है, क्लियर सारे बच्चों को। तो यहां पर क्या होगा, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर बनेगा उसके कंपेरिजन में सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा, ठीक है। इसके कंपेरिजन में बेटा लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ही होगा। मतलब मैं बात करूं कि इसको फ्रीज होने में मेरे को कम टाइम लगेगा, इसमें वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा, बहुत कम मर रहा है, तो इसको फ्रीज में इजिली कर पाऊंगा, जमा जो है इजिली जमा पाऊंगा, तो इसका फ्रीजिंग, इसमें टेम्परेचर मेरे को इजिली जो है कम टेम्परेचर लगेगा। लेकिन इसको जो है इसको मेरे को फ्रीज करने में मेरे को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, क्लियर सारे बच्चों को। यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बन रहा है, इसके लिए यहाँ पे टेम्परेचर कम लगेगा, इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको सुखाने में मेरे को जो है फ्रीज करने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, किसके कंपैरिजन में बच्चे, सॉलिड के कंपैरिजन में, क्लियर सारे बच्चों को, एकदम कंसेप्ट है बेटा। ये जो स्टार्टिंग में मैं बताता हूं ना कंसेप्ट को, अगर वो कंसेप्ट अगर आप इजिली समझ पाओ ना, तो आपके लिए सारे जो टॉपिक बताता हूं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे कवर अप करने के लिए, सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो लास्ट वाले जो है टॉपिक जो पढ़े हुए थे अपन जो है हिमांग में, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन जहां पे पढ़े हुए थे, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था कि जो प्योर लिक्विड होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो वही टॉपिक, हाँ वही जो कंसेप्ट है यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा, ध्यान सुनना बच्चे, ठीक है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, जो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है, जो द्रव के जो वेपर प्रेशर के क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसी को अपन बोलेंगे बेटा हिमांग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिमांग ताप बोलेंगे, क्लियर सारे बच्चों को। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आप जो है लिख सकते हो, जब एग्जाम्स के अंदर आए तो इसको लिखना ही होगा, ठीक है, लिखना ही होगा, क्लियर सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चे इसको अपन को लिखने कैसे है, ठीक है। किसी भी हिमांग में अनुमन क्या बोलता है, जब किसी भी द्रव में अवाष्पशील ठोस, किसी भी लिक्विड के अंदर अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है, क्या मतलब बच्चे, ठोस मिलाया जाता है तो विलयन में प्राप्त क्या होता है, विलयन प्राप्त होता है, तो उसका जो वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, जो कि मैंने बार बार कंसेप्ट शुरू होने से पहले मैंने बार बार इसी के ऊपर फोकस किया, फिर से वही बात हो रही बच्चे, ध्यान सुनना। जो विलयन का जो प्राप्त जो वाष्प दाब होता है, जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें विलेय डाला जाता है, क्या बच्चे, विलेय डाल दिया जाता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो विलेय पे ही हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, क्या बच्चे, वेपर प्रेशर विलेय की क्वांटिटी के ऊपर या फिर विलेय के कारण ही क्या होता है, डिपेंड करता है पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस, सारे बच्चों को समझ आया, ठीक है। अब वाष्प दाब में कमी होती है, जिसमें विलयन का जो वाष्प दाब में कमी होने पर तापमान में भी कमी हो जाती, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा तो भैया हमारा जो है टेम्परेचर भी कम लगेगा, जिसका टेम्परेचर कम लगेगा मतलब उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा बना तो टेम्परेचर मेरे को ज्यादा मिला, क्लियर सारे बच्चों को, मैंने यहीं पर बताया, तो वहां पर आपको लिखने को है, क्लियर। कमी होने लगता था एक तापक्रम पर, उसमें ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण विलयन का जो हिमांक बेटा, इसको डेल सॉरी टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, टी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्लियर सारे बच्चों को। विलयन का जो हिमांक होता है उसको हम टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और शुद्ध विलायक के जो हिमांक होता है बेटा उसको टीएफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम डायग्राम के ऊपर आएंगे तो एकदम इजी इसको समझ पाएंगे, ध्यान सुनना, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, से कम होगा। इस प्रकार शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांकों का जो अंतर होता है हम इसको हिमांक अनमन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, हिमांक में अनमन बोलेंगे, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। जब ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, जब ग्राफ बनाते हैं तब हमको चीजें समझ आती है कि चीजें कैसे हो रही, ठीक है, हमको जब ऐसे हम बातें करें, बातें सिर्फ करते रहे, ये होता है वो होता है, उससे समझ नहीं आती चीजें, ठीक है। जब हम रियल में फील कर पाते हैं कि चीजें कैसे हो रही, तो उससे अपन को क्या होता है बेटा, समझ में आता है चीजें, ठीक है। देखो ध्यान से,
ये ना बच्चे, ये अपना क्या है, टेम्परेचर है, ये अपना क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इस वाले पॉइंट पे देखो ध्यान से, यहाँ पे टेम्परेचर की बात, यहाँ पे टेम्परेचर आता है बिल्कुल अपन को पता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर आता है, सॉरी वेपर आता है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो अगर मैं सॉलिड की बात कर दूं, सॉलिड का जो वेपर होता है बेटा, सॉलिड का जो वेपर होता है, यहां से देखो ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं फटाफट। जो सॉलिड का जो वेपर होता है ठीक है, सॉलिड में वेपर क्या बनता है, बहुत कम बनता है, मतलब इसको टेम्परेचर भी कम लगेगा, टेम्परेचर भी कम लगेगा, क्लियर सारे बच्चों को। तो मैं बोल दूं भैया सपोज करो कि ये मेरा जो, हाँ ये देखो देखो ध्यान से थोड़ा बनाते हैं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए है, किसके लिए बेटा, सॉलिड ठोस अवस्था के लिए है। ये वाला जो लाइन है बेटा ठोस के लिए है, मतलब इस लाइन पे जब आ जाएगा, इस लाइन को जब कट करेगा, इस लाइन पे जब कट करेगा, तो जो हमारा जो विलायक है या फिर जो विलयन है वो ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जब ठोस अवस्था क्या होता है बेटा, अगर सपोज करो कि भैया जब आप कर रहे एक चीनी का जो होता है ना बेटा, चाशनी जब बनाते हो, उस चाशनी में से जब पानी का पूरा मैं सोख लूंगा, ठीक है, पानी को जब सोख लूंगा तो वो क्या बनेगा, एक हार्ड बन जाएगा, हार्ड के तरीके बन जाएगा, मतलब एक ठोस बन जाएगा ना, ठोस बन जाएगा। तो उसी ठोस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वही एग्जांपल की आपको जो है ध्यान रख के करना है, सोचना है, ठीक है। देखो भैया अब ये ठोस का तो ये हुआ, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर इस तरीके से हुआ, जो कि वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, क्लियर सारे बच्चों को। अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं बात कर दूं कि भैया मेरा जो विलायक है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे टेम्परेचर का भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेरा जो सॉल्यूट है, मेरा जो बच्चे हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक है, विलायक है, तो हमारे पास विलायक है, तो विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिला, क्या मिला, इस वाले पॉइंट पे कट मिला। जब इस वाले पॉइंट पे मेरे को कट मिला तो मैं इसको सिंपल सा बात कर दूं, ये मेरा क्या बच्चे, सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है, विलायक का है, ठीक है। ये मेरा क्या है, इसको हिंदी में लिख लेते हैं फटाफट, ये मेरा किसके लिए है, विलायक के लिए है। विलायक का वेपर प्रेशर बेटा ज्यादा बनता है, विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो इसको कम करने के लिए बेटा, ठीक है, कम करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बच्चे, जब विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, ठीक है, विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, अब ज्यादा बनेगा जिसमें कम टेम्परेचर लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर लगेगी, क्या ज्यादा टेम्परेचर लगेगी, क्लियर सारे बच्चों को। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है बच्चा, तो ये जो हमारा जो टेम्परेचर है किसके लिए है, विलायक के लिए होने वाला है, क्लियर सारे बच्चों को। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं भैया टी एफ नॉट है, क्या बच्चे, ये टी एफ नॉट होगा, क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखो ठीक है। अगर मैं बात कर दूं किसके लिए बात करूं भैया, सॉल्यूशन के लिए बात करूं, तो सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर इस तरीके से होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम होगा, इसको जो है टेम्परेचर कम होगा, क्लियर सारे बच्चों को। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, मतलब भैया विलयन के लिए होने वाला है, विलयन के लिए होगा। अब विलयन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो भी कम बन रहा है, तो टेम्परेचर भी कम लगेगा ना, टेम्परेचर भी कम लगा, तो भैया ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, क्लियर सारे बच्चों को, क्लियर बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो इसका टेम्परेचर कम है, तो मैं इसको जो है लिख देता हूं टी एफ से, इसको क्या कर दूं टी एफ से। अब भैया इनके बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है, उसी चेंजेस को मैं बोलूंगा क्या, इसी चेंजेस को मैं बोल दूंगा डेल टी एफ, इसी चेंजेस को मैं क्या बोलूंगा डेल टी एफ, और डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्लियर सारे बच्चों को, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि बड़े में से छोटे क्यों घटाते हैं, हमने वहां पे भी वैसे किया, यहां पे भी वैसे कर रहे हैं, क्लियर सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये अपन को फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला। अब इसमें मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करूं, अगर टी एफ ठीक है, ये इसको टी एफ, अगर डेल टी एफ की मैं बात करूं तो टी एफ में क्या होता है बेटा, सॉल्यूट के क्या बच्चे, सॉल्यूट विलय के क्वांटिटी के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो विलय के ऊपर जो है क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हटाना होगा, ठीक है, तो हटाना होगा मेरे को क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कोई टर्म है या फिर जो कौन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो यूज करना पड़ेगा। तो यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चे, टी एफ इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हटाना है तो मैं सिंपल ले लूं एम ले लेता हूं इस तरीके से, एम क्या बच्चे, एम जो कि प्रोपोर्शनल होगा इस तरीके से, ठीक है, होगा बिल्कुल बच्चे, ठीक है। अब टी एफ सेम जैसे अपन किए थे भैया बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे सेम किए थे सेम ऐसे यहां पे भी करना, ठीक है, देखो बच्चे ध्यान से। अब मोलरता की मैं बात करूं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहां पे कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कॉन्स्टेंट के एफ, और वो कांस्टेंट क्या होने वाला है, केएफ होने वाला है, क्लियर सारे बच्चों को। अब अगर मैं एम की बात कर दूं, अगर एम की बात करूं तो एम क्या होता है बच्चा, डब्लू बाई, ठीक है, डब्लू बाई, ठीक है, एम का क्या होता है बच्चे, ठीक है, एन बाई डब्लू होता है, एन बाई डब्लू होता है, वो भी केजी में, एन बाई डब्लू होता है, वो भी केजी में, तो यहां पर लिख दूं डब्लू बाई, सॉरी एन बाई,
ठीक है, एन बाई डब्ल्यू वो भी किसमें केजी में बात करता है, ठीक है केजी में बात करता है। अब देखो भैया अगर मेरे को के एफ इस तरीके से मिला तो मेरे को एन का वैल्यू भी पता है, एन का वैल्यू क्या था डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से होता है। किसका वैल्यू एन का वैल्यू, किसका वैल्यू बच्चे एन का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहां पे इसको फॉर्मूला लिख दो भैया डब्ल्यू बाई एम नॉट डब्ल्यू के जी डब्ल्यू एम नॉट डब्ल्यू के जी। इसको अलग स्लाइड में फटाफट लिख लेते हैं। देखो बच्चे डेल टी एफ इज इक्वल टू यहां पे मेरे को क्या मिला के एफ कॉन्स्टेंट है जो कि ठीक है। और इसको मैं डब्ल्यू बाई एम नॉट क्या होगा डब्ल्यू बाई एम नॉट डब्ल्यू के जी होगा अब इस केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो सिंपल बात है 1000 से गुणा कर देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। के एफ इज इक्वल टू के एफ ठीक है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू बाई एम नॉट डब्ल्यू ग्राम में होगा बच्चा और क्या होगा ये 1000 में होगा इस तरीके से। क्लियर सारे बच्चों को? तो ये हमारे पास एट द एंड हमको क्या मिला बच्चा डेल टी एफ मिला, क्या मिला डेल टी एफ का वैल्यू मिला। वहां पर मेरे को डेल के बी का वैल्यू मिला था, किसके लिए बच्चे डेल के बी का वैल्यू सॉरी के एफ के बी का वैल्यू मिला था ठीक है डेल। हाँ तो बच्चे यहां पे जो है डेल टी एफ का वैल्यू मिला मेरे को, वहां पे क्या मिला था डेल टी बी का वैल्यू मिला था जो कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए था और ये बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वैल्यू है। क्लियर सारे बच्चों को? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी। हाँ बच्चे तो अपन जो है इस तरीके से पूरा ओवरऑल बच्चे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अनवन को पूरा का पूरा से समझ पाए कि कैसे चीजें होती है। भले इसको टाइम लगे बच्चे लेकिन इसको करके ही जाना है क्योंकि ये 3 नंबर दिलाने की शक्ति रखता है। क्लियर सारे बच्चों को? इसी के साथ बच्चे हमारा जो ये वीडियो लेक्चर ये जो पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन जो हम डील कर रहे होंगे। अभी के लिए बच्चे हम जो आपसे अलविदा चाहते हैं, धन्यवाद।